का एक नाम यमुना भी है। यमुना को ही कालिंदी कहते हैं, कालिंदी कुंज है ना, ये यमुना जी का ही कुंज है। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। और ये जो हो माँ यमुना है, ये और कोई नहीं, ये भगवान के श्री विग्रह का पसीना ही कृष्ण अवतार में यमुना के जल में प्रकट हो गया, श्री विग्रह का पसीना। और ये जो यमुना है इनका एक नाम यमी भी है, क्योंकि ये यमराज की बहन भी है। यमराज की बहन है इसलिए इनका एक नाम यमी है। हमारे यहां चार नदियां मुख्यतः हैं, ध्यान देना, गंगा, यमुना, मां सरस्वती, मां नर्मदा। सरस्वती की तो धारा आज के समय में लुप्त हो चुकी है, सरयू, मां नर्मदा, चार नदी पूज्य हैं हमारे सनातन धर्म में। देखिए चारों नदियों की अपनी अलग अलग विशेषता है। गंगा के अंदर ज्ञान विराजमान है, यमुना के अंदर भक्ति विराजमान है, सरयू के अंदर त्याग विराजमान है, और नर्मदा के अंदर वैराग्य विराजमान है। आप गंगा के किनारे जाओगे या गंगा में स्नान करोगे या गंगा का आश्रय लोगे, अब देखिए प्रतिकल में देखिए, आप गंगा के किनारे जाओगे तो आपको ज्ञानी बहुत मिलेंगे वहां। चाहे काशी चले जाओ आप, चाहे नरवर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां जहां गंगा का किनारा है, चाहे हरिद्वार चले जाओ, वहां ज्ञानी बहुत मिलेंगे। और आप यमुना के किनारे जाओगे तो आपको भगवान के भक्त बहुत मिलेंगे। चाहे आप वृंदावन चले जाओ, चाहे आप मथुरा चले जाओ, जहां जहां माँ यमुना निकल रही है वहां आपको भगवान के भक्त बहुत मिलेंगे। चाहे आप दिल्ली में आ जाओ, यहां भी तो यमुना है और यहां भी भक्तों की कमी नहीं है। अब सरयू के किनारे जाओगे तो आपको त्यागी बहुत मिलेंगे, और आप नर्मदा के किनारे जाओगे तो आपको बैरागी बहुत मिलेंगे। बिना यमुना की कृपा के कृष्ण भक्ति पा ही नहीं सकते। कृष्ण भक्ति अगर पानी है तो मां यमुना का आश्रय ले। बिना यमुना के आश्रय के कृष्ण भक्ति इम्पॉसिबल है। यमराज से अगर डरना है, अगर उस डर से आपको बचना है तो मां यमुना का आश्रय ले। यमुना में स्नान करने मात्र से यम पीड़ा नहीं होती। ये यमराज की बहनी तो है यमुना। जब द्वितीया के दिन भैया जो जिसे हम बोलते हैं, यमुना ने अपने भाई को टीका किया, मिष्ठान खिलाया, करते ना द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, तो यमराज अपनी बहन से खुश हो गया, बहन मांग ले आज तुझे जो कुछ मांगना है। यमुना ने कहा भैया अगर देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो, आज से लेकर के कलयुग के अंत तक मेरे जल में अगर द्वितीया के दिन सगे भाई बहन एक साथ मिलकर के स्नान कर लें तो तुम वचन दो आप उन्हें कभी नहीं सताओगे। यमराज ने कहा बहन आज से लेकर के कलयुग के अंत तक सगे भाई बहन अगर द्वितीया के दिन तेरे जल में स्नान करेंगे तो मैं उन्हें कभी नहीं सताऊंगा।
आज भी हमारे मथुरा में विश्राम घाट पर ब्योज वाले दिन बहुत विशाल मेला लगता है। भारत या अदर कंट्रीज से भी वहाँ सगे भाई बहन आते हैं माँ यमुना के जल में हाथ पकड़ करके एक साथ गोता लगाते हैं। आपको सौभाग्य मिले तो कभी आप भी ऐसा करें हा? क्योंकि बिना यमुना की कृपा के हम कृष्ण भक्ति पा ही नहीं सकते।